विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से शोर यात्रा निकाली गई। यात्रा के पूर्व सोलंकी कॉलोनी में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संगठन मंत्री राजेश दंतोतिया, सुरेंद्र गिरी महाराज, साक्षी दीदी सहित कई वक्ताओं ने सभा का संबोधित किया व सनातन संस्कृति पर प्रकाश डाला। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकली, जहां शहर के सभी सामाजिक, राजनीतिक व साहित्यिक जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टाफ यात्रा में चल रहा था। और लड़ाई कैसी, स्थितियां कैसी रही होंगी, आप लोग थोड़ा सा चिंतन करना शुरू करेंगे, देखेंगे। अभी पिछली मई में बंगाल में एक दीदी है, वो जीत गई थी, तो वहां मुस्लिम गुंडों ने, बहुत कम मीडिया पे आ पाया था, कैसा अत्याचार किया था, जो लोग बड़े देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, उस अत्याचार की कल्पना करना। अभी एक साल के अंदर अफगानिस्तान में तालिबान और अफगानिस्तानी कौन, वो भी मुसलमान, महिलाओं को बांधकर टके भाव बेच रहे हैं, मार रहे हैं, गले रेत रहे हैं। 90 की किसी को ध्यान हो, जम्मू कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया उनकी मां बहनों के साथ, 20-20, 50-50 मुसलमानों ने बलात्कार किए थे। थोड़ी सी कल्पना कर लेना कि इस्लाम का शासनकाल भारत में कैसा रहा होगा, और 200 सालों के दुर्दांत इस्लाम के शासनकाल में हमने 60-70 लड़ाइयां लड़ी थी, और 60-70 लड़ाइयां काहे के लिए थी कि राम मंदिर वही फिर बने। तो एक लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, 18-20-25 साल के नौजवान तैयार होते चल पड़ते। इतिहास में कई बार भटकाने की कोशिश की जाती है। सनावत से नीलेश मालाकार की ये रिपोर्ट।